एक दो सबके सब डाल दूंगा, सबके सब डाल दूंगा, तेरा की तेरा तेरा डाल दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तुम्हें पता भी है कल यहाँ पे हुआ क्या है? क्या हुआ? कल रात यहाँ से एक लड़का अचानक गायब हो गया और लोगों का कहना है कि ये सब चेन लेटर्स की वजह से हुआ है। चेन लेटर की वजह से? हाँ, वही जो अचानक आ जाती है और जिसमें लिखा होता है कि तुम इसको 13 आदमियों को भेजो नहीं तो तुम्हारी हाँ तुम मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अबे हंस मत, अरे वही ये लड़का है, ये वहाँ पे लेटर डालने गया था और वहीं से गायब हो गया। ये सब कैसे हो सकता है यार, ये सब बकवास लिखा है पेपर में। सुनील, क्या पता ये बात सच हो? आप में से सुनील कौन है? आपके लिए लेटर है। किसका लेटर है? देखता हूँ। जरूर कोई लव लेटर होगा सुनील। क्या हुआ सुनील, कोई बुरी खबर है क्या? ला मेरे को दे। जो ऐसा नहीं करेगा वो मरेगा। इस लेटर की 13 कॉपीज 13 आदमियों के और 13 दिन के अंदर भेजिए वरना मारे जाओगे। इसका मतलब ये चेन लेटर है? अगर मैंने ये लेटर 13 लोगों को नहीं भेजा तो मेरी मौत हो जाएगी। कुछ भी लिखते हैं लोग। सुनील हंस मत यार, कहीं सच हो गया तो? रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं क्या, मैंने बहुत सुना है इन लेटर्स के बारे में, बहुत ताकत होती है इन लेटर्स में। अरे क्या यार, तुम भी पढ़े लिखे हो गए, इन सब चीजों में विश्वास करते हो? ये चेन लेटर्स क्या किसी की किस्मत बदल सकते हैं? ये रहे तुम्हारे चेन लेटर्स। ये लेटर फाड़ दिया? अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो? हमें नहीं रहना यार तेरे साथ, तेरे साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। आज का दिन तो बर्बाद हो गया, अब चले यहाँ से प्लीज। बर्बाद कर दिया पूरा दिन। कम वही ये लड़का है, ये वहां पे लेटर डालने गया था और वहीं से गायब हो गया। ये सब कैसे हो सकता है यार, ये सब बकवास लिखा पेपर में। सुनील क्या पता ये बात सच हो?
जो ये नहीं करेगा वो मरेगा। ये लेटर 13 दिनों में 13 लोगों को भेजो, वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। अभी बहुत रफिश है, कुछ भी लिखते हैं। सुनील हंस मत, कहीं सच हो गया तो? मैंने बहुत सुना है इन लेटर्स के बारे में, बहुत ताकत होती है इन लेटर्स में, बहुत खतरनाक होती है ये। ये तुम्हारे सिग्नेचर। ये लेटर फाड़ दिया? अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो? अरे हमें नहीं रहना यार तेरे साथ, तेरे साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। कौन कौन है वहां? कौन? क्यों डर गया ना? क्यों सुनील, तुझे तो डर नहीं लगता है ना? अब क्या हुआ, अब क्यों ऐसे डर रहा है? ये कैसा मजाक है? तुम लोगों ने मुझे चेन लेटर्स भेजे थे ना? और अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा डरपोक कौन है। उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन जिस दिन मैं मजाक उड़ाऊंगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक पार्सल होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कैसा अजीब लेटर है, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ओह, ये जरूर सुनील ने भेजा होगा। हमने उसे लेटर भेज के उसका मजाक उड़ाया और अब वो हमसे बदला ले रहा है। सबको अपनी तरह डरपोक समझ रखा है। अभी बताता हूं उसे। छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, छोड़ दो। ये तो सुनील की चीख है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने सुनील की चीख सुनी थी, बहुत भयानक चीख थी वो, बहुत डरा हुआ था वो। जल्दी चलो। सुनील, 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 दरवाजा खोलो सुनील। यार लगता है मुझे अंदर कोई नहीं है। तूने सुनील को ही फोन किया था ना? अरे यार मुझे ऑपरेटर ने फोन लगा के दिया था। लेकिन तुमने फोन किया क्यों था, क्या बात थी? आज सुनील मुझे ये लेटर मिला, देखो। इसमें तो लिखा है रात को 12 बजे सेंट्रल चौक में आ जाना। क्या? अपना पार्सल लेने के लिए। और अगर नहीं आए तो
तुम्हारी मौत। मौत? ये कैसा मजाक है? यही सोच के तो मैंने सुनील को फोन किया था कि ये जरूर उसी का ही काम है। अगर सुनील को कुछ हो गया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अंदर सुनील के साथ क्या क्या हुआ होगा। I think हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। Let's break the door. Okay. खून। सुनील लेकिन ये खून यहाँ पे कैसे आया? कैसा? मुझे तो लगता है कि सुनील ने जरूर हमारे साथ मजाक किया है। पहले उसने अमित को लेटर लिखा और फिर जब अमित ने उसे फोन किया तो उसने डरने का नाटक किया। और ये अगर ये मजाक है तो चलो उसके साथ भी मजाक करते हैं। वो जरूर रहेगा सेंट्रल चौक पे। चलते हैं आज रात 12 बजे सेंट्रल चौक पे। अरे यार ये सुनील कहाँ है यार? I'm sure यहीं गए छुपकर हम लोगों को देखना। Guys please, बहुत रात हो चुकी है, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, let's go now please। अरे 12 बज चुके हैं यार, थोड़ी देर और रुक जा, फिर चलते हैं। देखे तो सही ये पार्सल का चक्कर क्या है। यार ये क्या हो रहा है यार? इसमें ऐसा क्या है? ये अपने आप कैसे हिल रहा था? लेटर में लिखा था कि पार्सल मिलेगा, शायद ये वही पार्सल है। सुनो इसे खोल के देखते हैं हम लोग। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इसमें जरूर कोई खतरनाक चीज है। देखा नहीं कैसे अपने आप मूव हो रही थी? रिलैक्स पायल, ऐसा कुछ नहीं है। गाइस लेट्स चेक इट, मुझे लगता है इसके अंदर जरूर कोई है जो हमें डरा रहा है। मैं इसे खोल के देखता हूँ। सुनील है? वो तो मर चुका है। मौत हो चुकी है। किसने मारा होगा इसे? इंस्पेक्टर साहब क्या हो रहा है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? लाश। इस आदमी का खून किसी इंसान ने नहीं किया। इंसान ने नहीं किया फिर किसने किया? पता नहीं, मगर जिस तरीके से इस आदमी का खून हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका खून किसी सुपर नेचुरल पावर ने किया। सुपर नेचुरल पावर ने किया? ये अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? साफ साफ कहिए। सर जो समझ में आया वही बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यह खून किसी भयानक चीज ने किया है। केशव इन सब को छोड़ दो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या पता चला? आप सब जा सकते हैं। सर 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 चाहिए। सर इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब सर प्लीज हमें बताइए कि सुनील के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे दोस्त सुनील को किसी इंसान ने नहीं मारा है। इंसान ने नहीं मारा मतलब? उसकी मौत किसी और शक्ति की वजह से हुई है, किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से। सुपर नेचुरल पावर? ये सुपरनैचुरल पावर कहां से आ गई?
ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि सच क्या है। अरे चलो यार, चल के इसको बचाते हैं। पागल हो गया तुम, कहीं नहीं जाना हमें, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं 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 यार, हमको चल के उसको बचाना चाहिए। बचाओ। ये तो लाल रंग की वैन है, ये तो वही वैन है जिससे सुनील की लाश को फेंका गया था। चलो चलो चलो। Please, चलो यहाँ से।